नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी को भाऊबीज के त्योहार के भैया दूज की बहुत बहुत बधाई हो। भाई दूज या भाऊबीज, भैया दूज जो कहते हैं, महाराष्ट्र में भाऊबीज कहा जाता है, नॉर्थ में भाई दूज। भाई बहन का एक ऐसे त्योहार का प्रतीक है जहां बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और बहन भाई को टीका लगाती है उसकी लंबी आयु के लिए। वही भाई बहन की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरा रहे, ये आशीर्वाद देता है। लेकिन आप जानते हो इस त्योहार का शुरुआत कहाँ से हुई? इस बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अक्सर भाऊ बीज या भैया द्वीज दिवाली के तीसरे दिन मनाया जाता है, यानी दिवाली के दो दिन के बाद। सूर्य भगवान की संध्या से दो बच्चे, उनके दो संतानें हुई, एक यमराज, आप सभी को पता है यमराज, जो कि सबके मृत्यु के कारण है, और दूसरी संतान यमुना जी। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था, बहुत यानी बहुत प्रेम था, लेकिन यमराज जी अपनी व्यवस्था के कारण कभी भी बहन से मिल नहीं पाते थे। और फिर आज के दिन, इस तिथि के दिन, सरप्राइज देते हुए, यानी कि उन्हें अचंभित करते हुए, यमराज अपने बहन के घर यमुना जी के यहाँ जाते हैं, जहाँ यमुना जी उन्हें देख के बहुत ही आश्चर्यचकित होती हैं, और यमुना जी यमराज जी का बहुत ही सेवा करती हैं, उन्हें अच्छी तरह से उनको खान पान करते हुए उनका बहुत स्वागत करती हैं। और यमराज जी इस स्वागत से इतने अतुर भाव हो जाते हैं कि वो फिर यमुना जी को कहते हैं, बहन तू मांग मुझसे क्या मांगना चाहती, मैं तेरे सेवा अतिथि भाव से बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ। तब यमुना जी कहती है, भाई मुझे अगर कुछ आशीर्वाद देना है तो मुझे बस यही आशीर्वाद दो कि आप आज के दिन, आज हर एक साल में इस दिवाली के तीसरे दिन, यानी कि भैया द्विज के दिन आ पाओगे। हालांकि दिवाली बाद में वो प्रथा चली आई, लेकिन इस तिथि के अनुसार जो कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन जब ये मनाया जाता है, दिवाली के तीसरे दिन, तो आप इस दिन जरूर मेरे यहाँ आओगे। तो बोले, बहन इतना ही नहीं, तू और कुछ मांग, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुझे कुछ बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तब बहन ने कहा, हे भाई, मैं चाहती हूँ कि इसे एक पर्व की तरह मनाया जाए। आप जो आए मेरे घर में और मुझसे प्रसन्न हुए, तो मैं चाहती हूँ कि पूरे संसार में इसे एक त्योहार या पर्व के नाम पर मनाया जाए। और आज अगर कोई भी बहन अपने भाई की टीका करती है और उसकी अतिथि भाव से उसकी सम्मान करती है, तो उसका कभी भी अकस्मात मृत्यु नहीं हो। यमराज जी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तथास्तु कहा। और यमराज जी ने कहा कि आज भाई द्विज के दिन जो भी भाई अपने बहन के घर जाके अगर टीका कराता है, तो उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, अकस्मात मृत्यु नहीं होगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, ये भी वरदान दिया कि आज के दिन जो भाई बहन साथ में यमुना जी में साथ में अगर स्नान करेंगे, तो उन्हें भी अकाल मृत्यु कभी नहीं प्राप्त होगा, और सारे दोष, सारे जो भी दोष हैं जीवन में, वो सारे के सारे मिट जाएंगे और अच्छे स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त होंगे, अकाल मृत्यु कभी नहीं होगा। और तब से आज तक और आगे भी ये भाई द्विज, भाऊ बीज का त्योहार चलता रहेगा। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे कि सारी अपनी इच्छाओं को, वो अपनी सारी तकलीफों को एक दूसरे को बता के जीवन की डगर में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, प्यार परस्पर के साथ, बचपन से ही और आगे भी चलकर। इतना ही नहीं, हमारे जो कल्चर है, सनातन धर्म है, अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि रक्षाबंधन में भी इसमें जुड़ा हुआ है, कि भाई बहन की हर एक मुसीबत में एक निडर और अड़िग की तरह खड़ा रहता है। तो भाई दूज में अपनी बहन के यहाँ जाइए और टीका कराइए, और अपार बोलते हैं प्रेम परस्पर के साथ बहन को भी आशीर्वाद दीजिए, और खुद भी अपनी सेहत के बारे में आशीर्वाद दीजिए, जो यमराज जी ने हम सभी को दिया हुआ है कि भाऊ बीज के दिन अगर हम टीका लगाते हैं, टीका कराते हैं बहन के साथ, तो कभी भी अकाश मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, और हम सेहत को अच्छे प्राप्त होंगे। थैंक यू सो मच एक बार फिर आप सभी को दिवाली की
भाऊ बीज की बहुत बहुत शुभेच्छा। आप सभी का बहुत कल्याण हो, हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।